कराची मानों को भी खबर दूँ तो आगा सिराज दौरान खिलाफ आमदनी का वधी का सासा केस के वारिस अदालत पारा रेफरेंस या असल दस्तावेज तलब कर वह कराची की एहतसाब अदालत में बुधनी दौरान अगूणो स्पीकर आगा सिराज दौरानी ए बया जवाबदार पेश थिया। चैन साल दस्तावेज गजेट की सूरत में जमा करण में एतरो वक्त छो लगा वो अदालत पारा पुछे पे अदालत ब तस्दीक थियल दस्तावेज पेश करण से शायद का पुछाणो कर इन्हें कें जो सयू थियल एफ बी आर इलेक्शन कमीशन एंड नैब ऑफिसर्स जो सयू थियल शायद बयान दींदे जवाबदार वकील गजेट में दस्तावेजी सबूत पेश करण से एतराज किया बुदायन पा अदालत जवाबदार वकील के दलील देने वक्त एतराज उथारण की हिदायत कर छी। आपका चार साल से केस चल रहा है, क्या अब तक डिसाइड हुआ है, क्या समझते हैं? पाँच साल होने को है। आज कुछ एक विटनेस लाए थे एफ बी आर का, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, उनको हम कॉपी लेके फिर उसका जवाब देंगे। अच्छा, आप बताएं, सियासी तौर पे आपकी पीपल्स पार्टी में बड़ी कुर्बानियां हैं और पिछले टेन्योर में स्पीकर भी रहे, बल्दियाती वजीर भी रहे, इस दफ़ा आपको क्यों कोई वजारत की नहीं दी और स्पीकरशिप भी वापस ले ली? देखिए, ये सारी पार्टी की डिसीजंस होती हैं और पार्टी इस पर डिसाइड करती है, तो जो पार्टी का डिसीजन होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो क्या उम्मीद है, कोई आपको आसरा है कोई वजारत देने का? नहीं, देखिए, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे वजारत मिलेगी तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ या मेरी वाबस्तगी है। मेरी तो 50 साल की वाबस्तगी है, उसमें डिफरेंट अहदों पे मैंने काम किया है, तो वो पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, जो भी डिसीजन होगी, मुझे कबूल है, कोई उसमें वो नहीं। अच्छा, कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये होता है तो ठीक है वरना नहीं, ऐसी बात नहीं है।